खाद्य विभाग की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच जारी। मसाले और डेयरी उत्पादों के लिए सैंपल। खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए अभियान चलाकर लगातार राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, अलग अलग गोदामों में जाकर दल द्वारा जांच की जा रही है। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सभी SDM को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही में रविवार को भी दल ने जांच की। मंगल मसाला गोदाम गुना बाईपास पर हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाले के सैंपल लेने की कार्यवाही की गई। आनंद दुग्ध डेयरी पर दूध, दही, घी, पनीर के सैंपल लिए गए। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार शिप्रा उपाध्याय, नायब तहसीलदार शिवम उपाध्याय और फूड सेफ्टी की टीम मौजूद रही। एक्चुअली माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शासन के निर्देशों के क्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा टीम गठित की गई है और खाद्य संबंधी शिकायतें जहां हैं और खाद्य अपमिश्रण की जो जानकारी है और नॉर्मल जांच के लिए भी टीम गठित है और इन टीमों के द्वारा दो दिन से सतत कार्रवाई की जा रही है। कल एक ऑयल मिल में मिलावट पाई गई थी, सैंपलिंग उसकी हुई और अमानक की स्थिति होने के कारण उसको सील किया गया। इसके अलावा एक मसाला फैक्ट्री में भी मिक्सिंग और ये सब चीज़ों की दिक्कत थी, सैंपल उनके भी प्राइमा फेसी सैंपल पास नहीं हुए थे तो उसको भी सील किया है हमारी टीम ने। और जो कार्रवाई है उसमें एक बेकरी पर जांच की गई, बेकरी में भी अमानक चीज़ें मिली थी, चीज़ें नियमित नहीं थी, जैसे कि उनकी जो फूड पैकेजिंग थी, ब्रेड और अन्य जो बेकरी की सामग्री थी उसमें डेट नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी और एक्सपायरी डेट नहीं थी, मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो एक्सपायरी डेट की थी तो उस आधार पर पिकनिक बेकरी को सील किया गया। सर, इसी क्रम में सर जगह जगह सर वाटर सप्लायर जो हैं उन पर भी सर क्या कार्रवाई होगी? एक्चुअली खाद्य और जल से संबंधित जितनी भी जगह हैं और जहां पर भी ऐसी संभावना है कि गलत हो सकता उन सारी जगह कार्रवाई होगी, कार्रवाई सतत जारी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।